नालंदा के स्कूल में जिन दो बच्चों की मौत के बाद गुस्साई भीड़ ने स्कूल के डायरेक्टर को पीट पीट कर मार डाला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उन दो बच्चों की मौत पानी में डूबने से हुई थी। लोगों का आरोप था कि डायरेक्टर ने बच्चों को पीट पीट कर मार डाला और संदिग्ध मौत दिखाने के लिए पानी में शव डाल दिए, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हुआ है कि बच्चों की मौत डूबने से ही हुई थी। बिहार के नालंदा के जगदीशपुर में एक स्कूल हॉस्टल में रहने वाले दो बच्चों की लाश पास के तालाब में मिली। इसके बाद गांव वाले इस कदर गुस्साए कि उन्होंने स्कूल में जाकर तोड़फोड़ की, स्कूल बसों में आग लगा दी, लेकिन इतने भर से उनका गुस्सा नहीं थमा। लोगों ने स्कूल के डायरेक्टर को बहुत बुरी तरह से पीट पीट कर उसकी जान ले ली। IPL 6 स्पॉट फिक्सिंग मामले में आज दिल्ली की अदालत आरोप तय करने वाली थी, लेकिन कोर्ट ने इसके लिए सुनवाई की अगली तारीख 25 जुलाई मुकर्रर की है। यानी अब 25 जुलाई को ही साल 2013 के IPL स्पॉट फिक्सिंग केस में क्रिकेटर श्रीसंत, अजीत चंदीला और अंकित चौहान के अलावा दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील पर आरोप को लेकर फैसला आएगा। इस बीच श्रीसंत ने कहा है कि वह निर्दोष हैं और उनका कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। बता दें कि दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक स्पॉट फिक्सिंग मामले में कुल 42 लोग आरोपी हैं, जिसमें से 6 फरार हैं। 23 मई को मामले की में सुनवाई पूरी हो चुकी है। Believe in the Indian judiciary, and I'm sure you know everything is coming into place, and it's just a matter of time. It's another 1 month, maybe 27 days more. But I started counting the days, so it's been 2 years since I've been behind this, so hopefully next month will be a relief. And it was supposed to be today, unfortunately or fortunately, it is for one more month extension. So I really hope on 25th July I get relief from this case and get to back to normal life. आम आदमी पार्टी से निकाले गए योगेंद्र यादव ने पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र तोमर की फर्जी डिग्री के मामले में केजरीवाल पर निशाना साधा है। यादव ने रविवार को कहा है कि केजरीवाल को जितेंद्र सिंह तोमर की लॉ की फर्जी डिग्री के बारे में पहले से मालूम था। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने इस साल फरवरी महीने में ही केजरीवाल को यह बता दिया था कि तोमर की डिग्री फर्जी है। आम आदमी पार्टी की ओर से सफाई दी गई थी कि केजरीवाल को इस बारे में तोमर ने अंधेरे में रखा और गलत कागजात दिखाए। आम आदमी पार्टी कहती है कि उसे पता नहीं था जितेंद्र तोमर जी के इस मामले का। हकीकत ये है कि 30 जनवरी को दिल्ली चुनाव से 10 दिन पहले जितेंद्र तोमर जी के फर्जी डिग्री के कागजात आ चुके थे। शांत जी ने पार्टी के लीगल सेल के माध्यम से पार्टी को अलर्ट करवाया था। 4 फरवरी को मामला कोर्ट में आ गया था दिल्ली चुनाव से पहले। 25 फरवरी को तो प्रशांत भूषण और मैंने लिख के कहा था कि इस मामले पे जांच होनी चाहिए। इस सब के बावजूद पार्टी जून के महीने में कहती है कि हमें पता नहीं था, हमें धोखे में रखा गया। ये बात बड़ी अजीब लगती है, क्योंकि ये सारे तथ्य सार्वजनिक थे। उत्तराखंड में 2 दिन तक लगातार हुई बारिश के बाद जगह जगह फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करने का काम अभी भी जारी है। रविवार को भी करीब 1500 लोगों को रेस्क्यू किया गया, लेकिन 2000 से ज़्यादा लोग अभी भी चारधाम यात्रा के अलग अलग पड़ावों में फंसे हुए हैं। वहीं चारधाम यात्रा पर फिलहाल सरकार ने रोक लगाई हुई है। लोग बेसब्री से चारधाम यात्रा को दोबारा खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं। हेमकुंड गुरुद्वारे और बस स्टैंड पर भी ऐसे ही यात्रियों की भीड़ जमा है, जो यात्रा का दोबारा से शुरू होने का इंतज़ार कर रहे हैं। वहीं देहरादून और मसूरी में भी सुबह से भारी बारिश हो रही है। सरकार की वादा खिलाफी से नाराज अतिथि अध्यापकों का गुस्सा इस कदर फूट पड़ा कि अब वह इच्छा मृत्यु को की भी मांग करने लगे हैं। आमरण अनशन पर बैठे 2 विकलांग अतिथि अध्यापकों ने कल अपने खून से राष्ट्रपति व सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नाम पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने इच्छा मृत्यु
दिए जाने की मांग कर डाली। दोनों पांवों से अपाहिज भिवानी जिले के विनोद शर्मा व अधरंग से पीड़ित महेंद्रगढ़ जिले के योगेंद्र सिंह पिछले 6 दिन से अनशन पर हैं, वहीं उनकी हालत भी लगातार बिगड़ती जा रही है। विकलांग अनशनकारी गैस टीचर विनोद शर्मा ने अपने परिवार का दर्द बयान करते हुए कहा है कि मैं गैस टीचर था जिससे मेरे घर का गुजारा चलता था, लेकिन भाजपा सरकार ने हमारा रोजगार छीन लिया जिससे हमारे घर का चूल्हा भी नहीं जल रहा। चुमक चाहता ही चाहता हूँ, बिना नौकरी के देखो मैं मेरे बच्चों का क्या होगा। तो अगर मेरे क्षेत्र में मानना कि अगर नौकरी नहीं होती तो नौकरी होगी जो भी जीना, नौकरी नहीं होगी तो नहीं जीना। हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग में प्रियंका गांधी वाड्रा मामले में आज फैसला सुनाया जाएगा। छराबड़ा में प्रियंका गांधी के मकान की जमीन की जानकारी न देने पर आरटीआई कार्यकर्ता देवाशीष भट्टाचार्य ने आयोग की डबल बेंच के समक्ष अपील की है। बता दें कि प्रियंका गांधी ने शिमला के छराबड़ा में घर के लिए जमीन खरीदी है, जिसकी आरटीआई में जानकारी न देने पर एक शख्स ने राज्य सूचना आयोग में अपील की है। यूथ अकाली दल के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव और पंजाबी रंगमंच के चेयरमैन संतोख सिंह सुखाना ने रविवार यानी कल सुबह एक होटल के बाथरूम में फंदा लगाकर जान दे दी। दिल्ली की नारायण पुलिस ने 3 दिन पहले धोखाधड़ी के मामले में सुखाना को गिरफ्तार किया था और शनिवार शाम उसे रिकवरी के लिए लुधियाना लाई थी। यहाँ पुलिस घंटाघर के पास एक होटल में रुकी। कल सुबह संतोख बाथरूम गया और गीजर के साथ परना बांध कर जान दे दी। जब काफ़ी देर तक बाहर नहीं आया तो किसी तरह से दरवाज़ा खोला गया, अंदर संतोख का शव लटक रहा था। पुलिस हिरासत में सुसाइड की सूचना मिलने पर एडीसीपी वन योगिंदर सिंह, एसीपी नॉर्थ रमनीश चौधरी और थाना कोतवाली की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक के पास से एक सुसाइड नोट बरामद किया। इसमें सुखाना ने लिखा कि उसने घर में भी 6 पेज का सुसाइड नोट रखा है। पुलिस ने दूसरा सुसाइड नोट भी बरामद कर लिया। इसमें सुखाना ने अकाली नेता गुरदीप सिंह गोछा, राजू ठकराल, सुरेश कुमार शेरा, प्रीतम सिंह भरोवाल और डिंपल कालड़ा को अपनी मौत का जिम्मेवार बताया है। आरोपी गोछा पंजाब के एक कैबिनेट मंत्री का नज़दीकी है। एडीसीपी वन जोगिंदर सिंह ने कहा है कि संतोख के खिलाफ दिल्ली में मामला दर्ज था। शनिवार को दिल्ली पुलिस की एक टीम उसे लुधियाना लेकर आई थी, लेकिन जानकारी लुधियाना पुलिस को नहीं दी। संतोख के सुसाइड नोट के आधार पर अकाली नेता गुरदेव सिंह गोछा, राजू ठकराल, सुरेश कुमार शेरा, प्रीतम सिंह भरोवाल और डिंपल कालड़ा और चरणजीत सिंह के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया गया है। सर वो पैसे का कोई लेन देन था, क्लियर नहीं था कि कितने पैसे हैं। दूसरी पार्टी कह रही थी इतने हैं, मेरे ब्रदर कहता नहीं इतने हैं, इसीलिए सर उनको लेके गए थे। तो क्या हुआ आज? सर उनको एक्चुअली ना दो दिन पहले उनको लेके आए थे रिकवरी के लिए, यहाँ पे रिमांड पे थे, पुलिस रिमांड पे रिकवरी के लिए लेके आए। लेकिन उनके साथ में जो दिल्ली पुलिस थी, उनके साथ में जिसके पैसे देने थे वो भी था, जो कि वहाँ पर भी इसे दिल्ली पुलिस के सामने भी इन्हें ना टॉर्चर करता था, तो जिसकी वजह से ये हादसा हुआ था। बाकी उन्होंने एक सुसाइड नोट छोड़ा है, उसमें कुछ लोगों के नाम है जिनकी वजह से वो मेंटली काफ़ी अपसेट रहते थे। सर दिल्ली पुलिस की एक टीम संतोख सिंह सुखाना नाम के एक मुजरिम को अरेस्ट करके यहाँ लाई थी। उन्होंने रिमांड पे था, उन्होंने एक रेलवे स्टेशन के पास बैम्बी होटल है वहाँ पर रूम लिया हुआ था और उसने जो सुसाइड नोट छोड़ा उसके आधार पर ये केस दर्ज किया गया है। इसकी तफ्तीश जारी है और दिल्ली पुलिस के जो कर्मचारी जिनकी अनगहली पाई गई है उनके खिलाफ एक अलग केस दर्ज किया गया और उन तीनों को अरेस्ट कर लिया गया। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह ने अमरनाथ यात्रा बेस कैंप पुलिस ट्रेनिंग स्कूल मनीगाम का दौरा कर यात्रा प्रबंधों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से यात्रियों की सहूलियत के लिए सभी उचित इंतजाम सुनिश्चित बनाने पर जोर दिया। उप मुख्यमंत्री ने 105 एम्बुलेंस, अपर सिंध हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, 2
कंगना का दौरा किया। वहीं श्री अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की सहूलतों को ध्यान में रखकर इस बार ऑन स्पॉट पंजीकरण काउंटरों की संख्या बढ़ाई गई है। यात्रा के दोनों मांगों के लिए होने वाले पंजीकरण को हर एक दिन के हिसाब से अलग रंग की पर्ची जारी की जाएगी। साधुओं के लिए पंजीकरण मुफ्त होगा और अन्य को 150 रुपये तक देने होंगे। पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को पंजीकरण की जिम्मेदारी दी गई है। 2 जुलाई से श्री अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। इस बार जो यात्रा है वो 59 दिन की है। यात्रा का प्रबंध तो अमरनाथ श्राइन बोर्ड करता है, लेकिन सरकार का एक जिम्मा बनता है कि जम्मू कश्मीर में जो भी आए उनकी सुख सुविधा कैसी है, उनकी सुरक्षा कैसी है, उसकी तरफ जो है उसको देखा जाए। इसी सिलसिला में मैंने एक पूरा रिव्यू लिया था आज से लगभग 15-20 दिन पहले, जिसमें जितने भी लोग संबंधित हैं, जितने डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, चाहे वो पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा श्राइन बोर्ड के जो CEO हैं, बिजली, पानी, हेल्थ, सभी का रिव्यू लिया था। क्योंकि ये मौका है कि लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर आएंगे, पूरे देश से आएंगे, और यात्रा ये 2 दिन की यात्रा है, तो उनका जो पूरा ठीक प्रबंध हो उसका हमने देखा था। और ये हमने तय किया था कि 30 तारीख तक जितने भी अरेंजमेंट्स हैं सारे कंप्लीट हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आकाशवाणी पर एक बार फिर मन की बात कार्यक्रम के तहत देशवासियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा के साथ साथ हरियाणा के बीबीपुर गांव की चर्चा की। गांव के सरपंच सुनील जगलान ने सेल्फी विद डॉटर नाम की कैंपेन की शुरुआत की थी, जिसमें उन्होंने अपनी बेटियों के साथ तस्वीर पोस्ट की और PM मोदी ने कैंपेन का जिक्र मन की बात कार्यक्रम में किया, जिसके बाद यह कैंपेन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बीबीपुर गांव के सरपंच सेल्फी विद डॉटर अभियान से पहले भी चर्चा में रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने बहु दो वोट लो का नारा दिया था। भ्रूण हत्या के खिलाफ खाप की महापंचायत का आयोजन करा चुके जगलान को उस दौरान विदेशी मीडिया ने भी हाथों हाथ लिया था। हरियाणा में 1000 लड़कों पर मात्र 877 लड़कियां हैं। बता दें कि देश के जिन 100 जिलों में लिंगानुपात की स्थिति चिंताजनक है, उनमें हरियाणा सबसे ऊपर है। इसका इल्म पहले से था कि लोगों के जो दिल की बात है वो चेहरे तक ज़रूर आएगी, मुस्कान के रूप में हमारे तक ज़रूर पहुंचेगी, और इसकी जो खनक है हमारे देश के प्रधानमंत्री तक भी पहुंच गई, जो खुद सेल्फी के इतने दीवाने हैं कि कहीं पर भी जाए प्रवासी जो भारतीय हैं उनके साथ सेल्फी लेना नहीं भूलते। तो हमें जो एहसास था वो पूरा हुआ। साथ ही देश के प्रत्येक व्यक्ति को मैं कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारी जो ये मुहिम है इसके साथ देश का प्रत्येक व्यक्ति जुड़े, और वो खुद भी कह रहे हैं कि उनके पास भी सोशल मीडिया के थ्रू आप अपनी बेटी के साथ सेल्फी भेजें, वो उन्हें रिपीट जरूर करेंगे। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी जी ने जो मन की बात में हमारे जींद जिले की बीबीपुर की पंचायत के बारे में, यहाँ के सरपंच के बारे में और यहाँ की कार्यशैली के बारे में जो प्रशंसा की है, उसके लिए अखिल भारतीय अग्रवाल समाज का जो पूरा प्रतिनिधि है वो प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता है और बधाई देता है बीबीपुर पंचायत को, बीबीपुर के गांव के सभी वासियों को और उसके विशेष तौर पर सरपंच श्री नरेश जागलान जी को। नरेंद्र मोदी ने बेटी की अहमियत बताने वाली हरियाणा के बीबीपुर गांव से शुरू हुई छोटी सी मगर अनूठी पहल की भरपूर तारीफ की है। इस पहल से PM गांव के सरपंच सुनील जगलान के मुरीद हो गए हैं। मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को संबोधित करते हुए PM ने अचानक बीबीपुर गांव के सरपंच की पहल की चर्चा शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि बीबीपुर गांव के सरपंच सुनील जगलान जी ने एक बड़ा मज़ेदार कदम उठाया। उन्होंने सेल्फी विद डॉटर की
शुरुआत अपने गांव में की है। इस पहल से ऐसा माहौल बन गया कि हर पिता अपनी बेटी के साथ सेल्फी निकालकर सोशल मीडिया में रखने लगा। ऐसे अभियान से बेटी की महत्ता का पता चलता है। मुबारक मंडी पैलेस एक ऐसा महल जिसकी खूबसूरती की राजे महाराजे भी रीझ करते थे, एक ऐसा महल जिसकी वास्तुकला में राजस्थानी, मुगल और यूरोपियन शैली का मेल देखा जा सकता है। इस महल का इतिहास 150 साल से भी पुराना है, लेकिन अब इसकी हालत को देखकर कोई नहीं कह सकता कि यह महल किसी ज़माने में डोगरा राजाओं का शाही आवास था। देखिए हमारे संवाददाता आशीष कोहली की यह खास रिपोर्ट। मुबारक मंडी पैलेस पूर्ववर्ती डोगरा राजाओं के शाही निवास के रूप में पर्यटकों के बीच बहुत प्रसिद्ध जगह है। महल का गुलाबी हॉल पर्यटकों के बीच खासा प्रसिद्ध है। महल में मुगल और राजस्थानी कला का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। ये महल तवी नदी के तट पर स्थित है। मध्यकालीन विशाल मुबारक मंडी महल परिसर जम्मू शहर के पुराने इलाके में स्थित है। इस महल में बेहतरीन शिल्पकारी की मिसाल के तौर पर कई सुंदर और उत्कृष्ट इमारतें हैं। महल का वास्तु शानदार यूरोपीय, मुगल और राजस्थानी शैली से लिया गया है, जो विभिन्न संस्कृतियों के अनूठे संगम को पेश करता है। इस महल का इतिहास लगभग 150 साल से भी ज्यादा पुराना है। ऐसा माना जाता है कि महल के प्राचीनतम ढांचे का निर्माण साल 1800 की शुरुआत में हुआ था। ये महल डोगरा राजवंश के शासकों का शाही निवास था। माना जाता है कि ये महल 1925 तक डोगरा शासकों का मुख्य केंद्र था। महल के गलियारों के शाही कार्यक्रम और समारोह का आयोजन किया जाता था। समय बीतने के साथ परिसर पूरी तरह शाही सचिवालय बन गया। मुबारक मंडी धरोहर परिसर के संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। शहर की घनी आबादी में स्थित होने के कारण इस नाजुक परिसर के सामने कई समस्याएं आ रही हैं। इसके अलावा प्रदूषण भी इस धरोहर के ढांचे को नुकसान पहुंचा रहा है। राज्य पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्रालय के अनुसार 13वें वित्त आयोग ने इस धरोहर परिसर के नवीनीकरण के लिए अतिरिक्त धन देने की सिफारिश की थी। इस परिसर को फिर से जिंदा करने के प्रयास में राज्य सरकार ने मुबारक मंडी से बागे बहु के बीच 40 करोड़ रुपए की रोपवे परियोजना शुरू की है। मुबारक मंडी रोपवे के पूरा होने पर मंदिरों की नगरी में और पर्यटकों को आकर्षित होना तय है। खैर, इस ऐतिहासिक परिसर में नवीनीकरण का काम शुरू हो गया है, लेकिन बहुत धीमी गति से चल रहे नवीनीकरण कार्य से मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद समेत उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह भी बेहद आहत हैं। मुबारक मंडी एक ऐसा स्थान है कि यहाँ का जो स्टेट है, यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है, उसमें जो इवॉल्व हुई है थ्रू द एजेस, उसका एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट केंद्र जो है मुबारक मंडी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पूरा एरिया है, लेकिन पिछले समय से ये जो मुबारक मंडी है और उसके साथ रामनगर का एरिया है, यहाँ पर जो ये सारी वो राजगद्दी पड़ी हुई है, ये सारे हैं बहुत इग्नोर हुआ है। लेकिन पीछे वहाँ के लिए एक हेरिटेज कमेटी बनी थी, मुबारक मंडी हेरिटेज कमेटी बनी, जिसके चीफ मिनिस्टर जो है चेयरमैन रहते हैं और हम भी उसके मेंबर हैं। तो उसके लिए एक प्राथमिकता का विषय है और जल्दी उसके लिए बैठक होने वाली है। हम पीछे एक दौरा किया था, चीफ मिनिस्टर भी थे, मैं भी था, हमने दौरा करके वो सारा देखा है, लेकिन वहाँ पर जो कुछ बातें हुई हैं प्रिजर्वेशन के नाम पर कुछ नुकसान भी हुआ है। आपको बता दें कि मुबारक मंडी का नवीनीकरण कार्य पिछले 10 सालों से भी अधिक समय से चल रहा है। अधिकतर भवन गिर चुके हैं और बाकी गिरने की कगार पर हैं। आर्मी हेडक्वार्टर भवन को उसके पुराने रंग रूप में लाने के लिए अब तक करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन भवन अपनी पुरानी सुंदरता वापस नहीं पा सका। इसके अलावा पिछली सरकार के समय भी कई विशेषज्ञों की टीमें बाहर से मंगवाई गई, लेकिन काम में तेजी नहीं आई।
करीब 2 माह पहले मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने खुद भी मुबारक मंडी का दौरा किया था, लेकिन फिर भी हालात में तब्दीली नहीं आई। मौजूदा समय में मुबारक मंडी के रामगढ़ पैलेस, गड़बई खाना, बड़ी ड्योड़ी और राम पैलेस में कार्य जारी है। सरकारें आती हैं, जाती रहती हैं और एक के बाद एक वादे किए जाते हैं, लेकिन इन वादों का असर दिखाई नहीं पड़ रहा। बन रहे हैं, काम चल रहा है, कभी सेंटर से आ रहा है, कभी स्टेट से आ रहा है, पर काम पूरा हो नहीं पा रहा है। तो उसके कारण ही फिर यहाँ पे थोड़ा जो बनाया वो भी खराब हो गया। सरकार आती है, इतने करोड़ दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पर होता नहीं है। काम होता है, आधा महीना होगा, एक महीना होगा, तो उसके बाद काम ज़्यादा नहीं होता। ये आखिरी निशानी है वैसे तो, अब इसकी देख रेख नहीं करेंगे। वैसे भी बंदे यहाँ पे पार्क में घूमने आते रहते हैं। सरकार को इसके बारे में कुछ करना चाहिए, बिल्डिंग्स तो ठीक करनी चाहिए। डोगरा रियासत की आखिरी निशानी खत्म हो रही है, सरकार को भी थोड़ा बहुत देखना चाहिए इसके बारे में। स्थानीय लोग चाहते हैं कि जम्मू की विरासत वापस से जी उठे, लेकिन राजनेताओं का क्या? क्या वो नहीं चाहते कि जम्मू को ऐतिहासिक धरोहर फिर से जम्मू की शान बढ़ाए? शायद चाहते भी हों, लेकिन मजबूरी है कि वो एक राजनेता हैं। पैंथर पार्टी के नेता बलवंत सिंह मनकोटिया का कहना है कि सरकार डोगरा इतिहास को खत्म करना चाहती है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि मुफ्ती सरकार चाहती ही नहीं कि जम्मू में कोई सैलानी आए। ये एक मुबारक मंडी का मसला नहीं है, ये एक साजिश है कि डोगरा इतिहास को किस तरीके से खत्म किया जाए। उस साजिश के तहत ये भी शिकार हुई है। यहाँ गंडोला का प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है, फाइनल हुआ है, उसको इसी वजह से डिले किया जा रहा है कि टूरिस्ट कश्मीर की वजह से जम्मू में अट्रैक्ट ना हो और जम्मू के लोगों को रोजगार के अवसर ना मिले। खैर, बलवंत सिंह मनकोटिया की पीड़ा समझी जा सकती है, लेकिन उस सरकार का क्या जो जम्मू कश्मीर में कई सालों तक सत्ता पर काबिज रही? कांग्रेस के पूर्व मंत्री श्यामलाल शर्मा का कहना है कि जम्मू में काफी प्राचीन धरोहर, लेकिन मुफ्ती सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने तो मुद्दे को अलग ही रूप दे दिया। उनके अनुसार सरकार सिर्फ कश्मीर का विकास चाहती है, जम्मू का नहीं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज ये यहाँ पे हमारे टाइम में ये कुछ डेवलपमेंट अथॉरिटी, टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी थी, अब वो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इशू बहुत हैं, इन चीज़ों को वन बाई वन जो है वो टेकअप करेंगे। और एक जो मुझे लगता है कि अपोजिशन का रोल है वो कांग्रेस जो है पूरी ईमानदारी से निभाएगी। सत्ता से बाहर होने के बाद वर्तमान सरकार की आलोचना करना बहुत आसान है। कोई इनसे पूछे कि 5 साल तो आपकी भी सरकार रही, आपने जम्मू की विरासत को बचाने के लिए क्या क्या किया? 10 साल से चल रहे मुबारक मंडी महल के नवीनीकरण के कार्य पर अगर पहले ध्यान दिया गया होता तो शायद आज शाही महल की ये दशा नहीं होती। ऐसा नहीं है कि सरकार इस महल को लेकर गंभीर नहीं है। हेरिटेज सोसाइटी के डायरेक्टर रोहित खजूरिया का कहना है कि सरकार की तरफ से 15 करोड़ रुपए हेरिटेज सोसाइटी को मिले हैं, लेकिन इतने पैसे महल के नवीनीकरण के लिए काफी नहीं है। मुबारक मंडी हेरिटेज सोसाइटी का काम 2008 से चल रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिफरेंट स्कीम्स में अब तक करीब 15 करोड़ रुपया इस सोसाइटी को मिला है, जिसमें से हमने एक बिल्डिंग पूरी तरह रिस्टोर की है जहाँ हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स होता था और जिस बिल्डिंग का पुराना नाम आर्मी हेडक्वार्टर है। उसके अलावा जो सामने वाली एक बिल्डिंग है जिसको रॉयल कोर्ट्स बोलते हैं, उस पर काम चल रहा है और बड़ा तेज़ी से काम चल रहा है, 50% से ज़्यादा उस पर काम हो चुका है। लगातार लुप्त होती जा रही डोगरा विरासत को अगर समय रहते नहीं संभाला गया तो इतिहास आने वाले दिनों में उन नेताओं को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा जिनके कंधों पर इसकी देखरेख की जिम्मेदारी थी। अब देखना यह है क्या क्या नई सरकार जम्मू कश्मीर में खास करके इस मुबारक मंडी की कोई रेख देख कर पाती है। आशीष कोहली, डे एंड नाइट न्यूज, जम्मू से। हिंदी समाचारों में फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।